तो बीडीसी जैनगीर मिस्टर उमर साहब यहाँ पे पहला रिबन काटते हुए, तो इसके बाद मैं यहाँ पे इरफान दिलावर भट्ट साहब को बुलाना चाहूँगा। इरफान दिलावर भट्ट साहब यहाँ पे दूसरा रिबन اللهم صل على جميع الانبياء والمرسلين والصائر صابت والتابعين رضوان الله تعالى علينا اجمعين ربي اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بسم الله الرحمن الرحيم تو یہاں پہ بٹ ٹینٹ ہاؤس کی آج انوگریشن ہونے جا رہی ہے اس کا جو نیا شاپ ہے आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पे कुछ जाने माने चेहरे हैं जिसमें बीडीसी जैनगीर मिस्टर उमर साहब और साथ ही साथ इरफान दिलावर भट्ट साहब जो कि जैनगीर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है और अगर बात करेंगे तो एक सोशल एक्टिविस्ट भी है और यहाँ पे जो कि ट्रेडर्स फेडरेशन के चेयरमैन मोहम्मद शफी वानी साहब और साथ ही साथ मोहम्मद अशरफ भी यहाँ पे और यहाँ से हम शुरू करने जाएंगे। तो आप आइए प्लीज़ बीडीसी जैनगीर पहले यहाँ पे पहला रिबन काटते हुए आप हमारे स्क्रीन पे बैठ रहे हैं तो यहाँ पे आप आए हेल्प के लिए थोड़ा। तो बीडीसी जैनगीर मिस्टर उमर साहब यहाँ पे पहला रिबन काटते हुए, तो इसके बाद मैं यहाँ पे इरफान दिलावर भट्ट साहब को बुलाना चाहूँगा। इरफान दिलावर भट्ट साहब यहाँ पे दूसरा रिबन यहाँ पे काटते हुए। इरफान दिलावर भट्ट साहब किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, सोशल एक्टिविस्ट और साथ ही साथ जैनगीर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है और इसके बाद मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा मिस्टर मोहम्मद शफी वानी साहब को। मोहम्मद शफी वानी साहब जो कि ट्रेडर्स फेडरेशन के चेयरमैन बोटिंग के हैं और इसके बाद मोहम्मद अशरफ को मैं बुलाना चाहूँगा। आप एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और आप आइए प्लीज एक ही करके। निसार अहमद मल्ला साहब भी यहाँ पे एक जानी मानी पर्सनैलिटी है। बहुत बहुत शुक्रिया निसार साहब आपका भी और बाकी जितने भी यहाँ पे ट्रेडर्स फेडरेशन के और कुछ अहम सदस्य। और आप देख सकते हैं ये शॉप है यहाँ पे जो जिस शॉप के आज इनॉग्रेशन होने जा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए।